रशीद जी साहब, वली साहब और उर्वशी साहब के लिए खाना लेकर जाओ कमरे में। साहब मगर बेगम साहब ने तो तनख्वाह तो मुझसे लेते हैं, बेगम साहब से। चाओ शाबाश। जी बेहतर। रोसा प्लीज रोना तो बंद करो। वलीद बाबा जी, ये साहब ने खाना भेजा था। बाबा ने खा लिया? हाँ, वो बेगम साहब और वो बेडरूम में साथ खाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू। ये दरवाजा बंद कर। जी बिल्कुल। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। अच्छा, अकेले खाऊं मैं? अच्छा, रोना तो बंद करो प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना, मामी मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। अब देख ले क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी से थक गए, अभी से हार मान ली। रुसा, अभी तो बहुत सफर बाकी है जिंदगी का। वलीद, मैं बहुत कमजोर हूँ और इतने तवील इम्तिहान के लिए कहाँ से लाऊं हिम्मत, जो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा दर्दनाक है। रुसा, इस इम्तिहान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है तुम्हें तकलीफ होती है ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी किसी अज़ियत में नहीं डाल सकता, जानती हो ना। लेकिन तुम्हें पता है इस वक्त की सबसे बड़ी अज़ियत क्या है? क्या? खाना सामने रखा, बहुत जोर की भूख लग गई और हम खाना नहीं खा रहे। अबे वलीद, आप भी ना खा लेते ना थोड़ा सा। ये देखो, बाबा ने इतने प्यार से खाना भेजा है,